एटा डीएम का एक्शन, एटा में यूपी की पुलिस बनी शराब माफिया। एटा डीएम एसएसपी ने कोतवाल के आवास से 20 लाख की शराब की बरामद। शराब तस्करों को पकड़ते पकड़ते योगी की पुलिस ही बन गई शराब माफिया। थाने के मुंशी कोतवाल की मिलीभगत से थाना परिसर से मिली लाखों रुपए कीमत की अवैध शराब का जखीरा। थाना परिसर में मौजूद थाना प्रभारी के सरकारी आवास सहित कई और कमरों में मिली 1483 पेटी गैर प्रांतीय अवैध शराब। अलीगढ़ कमिश्नर गौरव दयाल, एटा जिलाधिकारी विभा चहल और डीआईजी पीयूष मौर्या सहित एटा एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से थाने में की थी छापेमारी। जिलाधिकारी के आदेश से देहात कोतवाली के कोतवाल इंद्रेश पाल सिंह, हेड मोहर्रर मुंशी ऋषाल सिंह दोनों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम जैसे गंभीर धाराओं में कराया मुकदमा पंजीकृत। जनपद एटा के थाना देहात कोतवाली का है मामला। रिपोर्ट आरबी द्विवेदी एटा। मैं और कप्तान साहब हैं, उन्होंने जॉइंट इंस्पेक्शन, हमने रैंडम एक थाना चुना कोतवाली देहात पे हम रहे और वहाँ पर हमने कुछ इंस्पेक्शन किया तो हमने देखा कि शस्त्र जो जमा है वो कम है जो फिगर हमें भेजी गई थी उसके सापेक्ष। तो हमने कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानकारी ली तो पता चला कि कुछ शराब की जो पेटियाँ हैं जो पकड़ी गई थी वो भी कम है। क्या कार्रवाई की गई है डीएम साहब, इसमें क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा? हाँ, इसमें एक FIR लॉन्च की गई है और विवेचना की जा रही है। सीओ हैं अलीगढ़ में श्री विकास कुमार, उनके द्वारा, और इसमें एक प्रिलिमिनरी जांच कमिश्नर और आईजी साहब के द्वारा, कमिश्नर साहब उनके द्वारा की जा रही है। कितनी शराब कम मिली थी, कितनी पेटियां कम? करीब 1400 से थोड़ा सा ज्यादा शराब की पेटी। कितनी कीमत होगी लगभग? कीमत का अंदाजा 30 लाख के आसपास। मैम, क्या और भी जगह थानों पर इस किसी की छानबीन चल रही है कि कितना स्टॉक था, कितना है या कितना नहीं? ये जो मेरा और कप्तान साहब का जो जॉइंट हमने ये जो कार्रवाई की है उसका मैसेज यही है कि आगे सभी थानों पर सभी लोग जो हैं ठीक तरीके से काम करें, होशियार हो जाएं। ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इसकी गंभीरता अधिक इसलिए है, इसीलिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर जाके कैजुअल सरप्राइज इंस्पेक्शन किया गया और फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज करा के उनको सस्पेंड करते हुए विभागीय कार्रवाई शामिल की। अच्छा, कुछ जनपद के ऐसे शराब माफिया हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक शायद पुलिस या प्रशासन के हाथ उनके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या ये सुनिश्चित रहेगा कि चुनाव से पहले ही ऐसे जो बड़े जो माफिया हैं जो गैंग के रूप में काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी? राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश शासन और DGP मुख्यालय से संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से इस बात के सख्त निर्देश हैं कि अवैध शराब के निर्माण, उसके निष्कर्षण और उसके व्यापार तस्करी, इस पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए लगातार सघन अभियान चलाया जाए और जो भी इस कार्य में संलिप्त हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।